वेलकम बैक गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग एक बार फिर से खेलने वाले हैं एवॉल्व लीजेंड। एक्चुअली खेलने वाले नहीं है एवॉल्व लीजेंड, एवॉल्व लीजेंड के बारे में कुछ बताने वाला हूं मैं आप लोगों को गाइस, जो कि एवॉल्व लीजेंड के फैंस और एवॉल्व लीजेंड जो लोग खेलते थे और जिन्होंने बहुत कुछ मतलब अपना एवॉल्व लीजेंड में दिया है आज तक, उनके लिए एक बहुत ही सैड न्यूज़ है, दिल तोड़ने वाली न्यूज़ है। बट क्या करूँ, आप तक न्यूज़ पहुँचाना मेरी ज़िम्मेदारी है और मैं आपको तक ये न्यूज़ पहुँचा रहा हूँ कि एवॉल्व लीजेंड शायद बैन हो चुका है। शायद नहीं, मैक्सिमम चांसेस है 99.9% चांसेस हैं कि ये गेम अब बैन हो चुका है। और यहाँ पर देख सकते हो गाइस, क्यों ऐसा कह रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर मेरा नेट पूरी तरीके से वर्क कर रहा है 100%, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर कन्फर्म को क्लिक करता हूँ तो कुछ देर के बाद फिर से क्या होगा यहाँ पर, अभी तो मेरा नेट मतलब प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा है। जैसे ही मेरा नेट प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है तो जस्ट लिख दे रहा है कि नेटवर्क एरर और रिट्राई करने के लिए। मतलब मैं कुछ भी कर लूँ यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, मैं कितनी बार भी चाहे ट्राई कर लूँ यहाँ पर। पहले मेरे को शुरू शुरू में लगा कि हो सकता है ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा हो, ये शायद से मेरे साथ कल से हो रहा है, तो मुझे लगा कि सिर्फ और सिर्फ मेरे ही साथ हो रहा होगा, हो सकता है मेरा नेटवर्क का इशू हो। लेकिन बहुत देर इंतज़ार करने के बावजूद मेरे मतलब मेरा गेम नहीं खुला। फिर मैं गया इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, यानी कि पॉकेट फैंटेसी के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, तो मुझे यहाँ पर पोस्ट में दिखा, पोस्ट में गाइस देख सकते हो, पोस्ट में यहाँ पर जो लास्ट इनका पोस्ट है वो है 17 फरवरी 2021 को, यानी कि 17 फरवरी 2021 के बाद से कोई पोस्ट नहीं किया गया है बाई पॉकेट फैंटेसी ऑफिशियल, यानी कि पॉकेट फैंटेसी का जो GM है, यानी कि जो इस गेम का जो ओनर है एक तरीके से कह सकते हो, उस ओनर के द्वारा 17 फरवरी के बाद कोई भी मैसेज इस ग्रुप पर नहीं किया गया है। और गाइस पॉकेट फैंटेसी जो है वो एकदम प्योर मतलब एकदम ओरिजिनल जो है इसका ग्रुप है, एकदम ओरिजिनल ग्रुप है, इसके अलावा कोई ग्रुप नहीं है इसका। तो यहाँ पर यही ग्रुप है जो कि एकदम मेन ग्रुप है यहाँ पर। उससे पहले देख सकते हो 14 फरवरी को किया गया, 16 फरवरी को, 17 फरवरी को किया गया, और उससे पहले 13 को, तो इसी तरीके से किया गया लगातार। शुरू में देखो गाइस, यहाँ पर शुरू में जो GM था, यानी कि GM कह सकते हो, GM इन द सेंस के गेम का ओनर, तो ये जो था इसने बहुत ज़्यादा एक्टिव था, जैसे कि 4 फरवरी के बाद, फिर इसने 8 फरवरी को, 8 फरवरी के बाद 13 फरवरी को, 13 के बाद 14 को, एंड 14 के बाद फिर 17 को, यानी कि 3-4 दिन के गैप के बाद ये लगातार कुछ ना कुछ पोस्ट डाल दिया करता था। लेकिन 17 फरवरी के बाद से अभी तक कोई भी पोस्ट इसका नहीं आया। फर्स्ट साइन इस गेम को बैन होने का ये है कि हम लोग कोई जब ये गेम खोल रहे हैं तो क्या हो रहा है कि वहाँ पर नेटवर्क एरर बता रहा है मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादातर ये बन रही हैं कि गेम अब बैन हो चुका है। सेकंड जो चांसेस है कि इस गेम को बैन होने की, कि 17 फरवरी, यानी कि कॉन्टीन्यूटी में यहाँ पर देख सकते हो, ये लगातार मैसेज करता था, लगातार पोस्ट डाल रहा करता था जो GM था इस गेम का, लेकिन उसने 17 फरवरी के बाद से कोई भी मैसेज नहीं किया। सेकेंड चीज़ जो है ये दर्शाती है कि ये गेम बैन हो चुका है। एंड थर्ड चीज़ जो कि मेरे को एकदम अभी भी मुझे लगा कि हो सकता है कि 17 फरवरी के बाद हो सकता है कि ये नहीं किया हो मैसेज, या फिर मेरे साथ ही दिक्कत हो रही हो, मतलब एक दिल में मैं एक उम्मीद लेके चल रहा था। लेकिन जैसे ही मैं आया कम्युनिटी के अंदर, यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो गया गाइस। यहाँ पर मैंने देखो, मैंने पोस्ट किया 16 मिनट पहले कि क्या गेमिंग, क्या पॉकेट फैंटेसी जो है वो बैन हो गया है। लेकिन उसके बाद गाइस यहाँ देखो, यहाँ पर आया व्हाई इज गेम नॉट ओपनिंग, इज़ इट बैन अगेन। यहाँ पर एक इंसान ने कमेंट करता है कि गेम क्यों नहीं खुल रहा है, क्या गेम बैन हो चुका है। फिर एक और इंसान मैसेज करता है कि मेरा एवॉल्व लीजेंड नहीं खुल रहा है आज। एक और इंसान मैसेज करता है मेरा एवॉल्व लीजेंड नहीं खुल रहा है आज। तो इस तरीके से बहुत सारे यहाँ पर देख सकते हो गाइस, सारे के जितने सारे मतलब आप लोगों को यहाँ पर दिख रहे हैं, ये सारे के सारे लोग यही सेम चीज़ कह रहे हैं कि मेरा गेम जो है अब नहीं खुल रहा है। एंड दैट्स ये जो फाइनल जो चीज़ थी, यानी कि तीसरी चीज़ थी, इसने मेरे को 100% श्योर कर दिया कि ये गेम जो है वो अब बैन हो चुका है। तो ये थी सबसे ज़्यादा सैड न्यूज़। बट इसमें जो इसके बहुत ज़्यादा पॉकेट फैंटेसी के बहुत ही ज़्यादा चहीते फ़ैन हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा चाहते हैं जो फैंस, उनके लिए शायद से खुशखबरी हो सकती है ये कि यहाँ पर गाइस हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूँ पहले ही गाइस आप लोगों को, कि ये पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बनती हैं कुछ, कि अब यहाँ पर क्या हो सकता है कि हम लोगों का गेम जो है, मतलब जो गेम ये है जो बैन हो चुका है, हो सकता है कि दोबारा नया गेम बन के आए, यानी कि पॉकेट फैंटेसी को अब अपडेट करके लाया जाए जिसमें नए सर्वर्स आ सके जल्दी जल्दी से, मतलब कि जितने भी वैल्यू गिफ्टेड पैक थे वो आ पाएँ जल्दी से, लिमिटेड पोकेमॉन्स आएँ, तो सारी चीज़ें जल्दी जल्दी आएँ।
तो ये हो सकता है कि अपडेट लाने के लिए ऐसा किया गया हो। तो मैं भी दुआ करता हूँ यार, आप लोग भी दुआ करना, आप लोग भी अपने आप को इसके लिए तैयार रखना। हो सकता है कि हम लोगों को ये गेम को अलविदा कहना पड़े, या फिर ये भी हो सकता है, मैं दुआ करूँगा कि हम लोगों को नया गेम मिले, इससे भी बेहतरीन और इससे भी अच्छा अपडेटेड वर्ज़न का गेम मिले। तो यही मेरे को न्यूज़ आप तक पहुंचानी थी। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, बस और बस। तो वीडियो तो खैर यार बहुत ही ज़्यादा सैड न्यूज़ थी, बट अगर आपको ये न्यूज़ आपके काम की लगी हो तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो कि बहुत कम लोग कर रहे हैं यार आजकल। सब्सक्राइब कर दो चैनल को, कुछ नहीं आता है, नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा उसको क्लिक कर दो, उसके बाद बेल आइकन आएगा उसको भी क्लिक कर दो। और गाइस मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।